प्रश्न पूछा है कि समर्पण क्या है, क्या सब भगवान के भरोसे छोड़ देना समर्पण है। कृष्ण क्यों कहते हैं कि अर्जुन सब मेरे भरोसे छोड़ दे। समर्पण क्या भाग्य के भरोसे बैठना है। और कृष्ण क्यों कहते हैं कि जो करता हूं मैं करता हूं। तो सबसे पहले तो ये कि कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रट कर नहीं बैठा। लेकिन हम समर्पण पर बात करेंगे। समर्पण क्या है? तो पहली बात ये कि समर्पण की कोई परिभाषा नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या समझता हूँ समर्पण से, वो आपको बताता हूँ। आपने पूछा समर्पण क्या है, मैं समझता हूँ कि जहाँ समर्पण नहीं करना चाहिए वहाँ समर्पण नहीं करना ही समर्पण है। जहाँ समर्पण नहीं करना चाहिए वहाँ समर्पण नहीं करना ही असली समर्पण है। क्यों? क्योंकि समर्पण तुम कर नहीं पाओगे। समर्पण होता है, अपने आप होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम कर नहीं पाओगे और अपने आप होता है? क्योंकि यदि समर्पण तुम करते हो तो जिसका समर्पण किया जाता है वो तो बच ही जाता है। समर्पण में समर्पित किसे किया जाता है, किसको समर्पित किया जाता है? इस मैं को समर्पित किया जाता है। ये मैं अहम, इसका ही तो समर्पण करना है। लेकिन जब समर्पण तुम कहते हो मैं समर्पण कर रहा हूं, तो आप क्या कह रहे हो, मैं समर्पण कर रहा हूं, तो मैं तो बचा रह गया। तो समर्पण का अर्थ है मैं का समर्पण, इस अहम का समर्पण। और अहम का समर्पण कैसे होता है? जहां समर्पण नहीं किया जाना चाहिए वहां समर्पण जब आप नहीं करते हो तब जो होता है वह समर्पण होता है। क्योंकि अक्सर हम वहां समर्पण कर देते हैं जहां समर्पण नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके समझो। डर के कारण अगर आप हथियार डाल देते हैं तो क्या यह समर्पण हुआ? नहीं। डर के कारण यदि आप समर्पण करते हैं, चाहे अंग्रेजों के सामने, चाहे किसी आक्रांता के सामने, या कहीं तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए इस भय से, भगवान, किसी मूर्ति के सामने, किसी गुरु के सामने, किसी के भी सामने, किसी भी तरह के डर के कारण अगर तुम समर्पण कर रहे हो तो वो समर्पण है ही नहीं। किसी ने कह दिया गुरुजी के पास उनके चरणों में नहीं झुके तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान के सामने शरीर नहीं झुकाया, सर नहीं झुकाया तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, इसलिए सर झुका रहे हो, तो वो समर्पण नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम तो अक्सर यही करते हैं। डर के कारण सर नहीं झुकना चाहिए, डर के कारण समर्पण नहीं होना चाहिए, न हथियार का, न मन का, न मैं का। पर हमने तो जब भी किया समर्पण, कृष्ण के सामने भी डर के कारण ही समर्पण किया। प्रेम में तो हमने समर्पण किया नहीं कि चलो कृष्ण जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप चलाओ चलेंगे आपके पीछे पीछे। इसी तरह लालच के सामने समर्पण नहीं किया जाता। आप लालच के सामने समर्पण मत करो। संसार में कुछ भी हो, अगर लालच के कारण हो रहा है वहां समर्पित मत हो जाओ, मत झुको वहां, यही समर्पण है। तो समर्पण किया जाता है मैं का, और वो कैसे किया जाता है? जहां समर्पण नहीं करना चाहिए वहां समर्पण नहीं करके समर्पण किया जाता है। लालच के सामने नहीं झुकना है, डर के सामने नहीं झुकना है, चाहे सामने अर्जुन के अपने खड़े हो लेकिन मोह के सामने नहीं झुकना है, ये असली समर्पण है। यही है जो मैं को तोड़ता है, यही है जो मैं को गला देता है। फिर मैं सूखे के पत्ते की तरह अपने आप खिल जाता है, तुम्हें दिख जाता है कि ये जो मैं है ना, बीच में आ जाता है, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन कहता ना,
अर्जुन की जगह तुम भी होते तो क्या कहते? मुझे क्या मिलेगा युद्ध करके? हर बात में हम यही तो कहते हैं ना, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, सच बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छे काम करूंगा तो क्या मिलेगा, इस मैं को हटा दो। यही समर्पण है। और अब देखो अपने जीवन के समर्पण को, सारी दुनिया जिसे समर्पण कहती है, भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं, गुरु के सामने समर्पित हो जाते हैं, देखो उनको जरा। समर्पण में कोई मांग नहीं होती, लेकिन हम जिसे समर्पण कहते हैं वहां तो हमेशा कोई ना कोई मांग रहती है कि मेरा ये भला कर देना, वो कर देना। क्या वो समर्पण हुआ? नहीं, समर्पण में कोई मांग नहीं होती। इसीलिए समर्पण के लिए प्रेम चाहिए। तो सबसे पहली बात समझो कि समर्पण मैं का किया जाता है, अहम का समर्पण किया जाता है। जहां कहीं भी अहम बीच में आ रहा हो वहां उसे हटा दो बीच से। दूसरी बात, जहां समर्पण नहीं करना चाहिए वहां समर्पण नहीं करना ही समर्पण है। अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए ये कह करके कि हम तो भगवान को समर्पित हैं, ये मूर्खता है। आगे तुमने कहा है ना, क्या सब भगवान के सहारे छोड़ देना समर्पण है? कृष्ण क्यों कहते हैं कि अर्जुन सब मेरे भरोसे छोड़ दे? अच्छा, कृष्ण क्या कह रहे थे अर्जुन से? ये कह रहे थे कि तू जा, मैं कर लूंगा युद्ध, या ये कह रहे थे कि अर्जुन उठा गांडीव और युद्ध कर? कहां कह रहे हैं कृष्ण कि सब मेरे भरोसे छोड़ दे? कृष्ण कह रहे हैं कि तू मुझे समर्पित हो जा, तू माने अर्जुन, ये जो अर्जुन नाम की हस्ती खड़ी है ना, ये मैं चिल्ला रही कि मेरा ये, मेरे वो, मेरे अपने, मेरे गुरु, मेरे भाई, इस मैं को मेरे चरणों में समर्पित कर और तू युद्ध लड़। तो कृष्ण कहाँ कह रहे हैं कि मेरे भरोसे छोड़ दे? उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था भैया कि अपन नहीं लड़ेंगे, लड़ना तुमको ही पड़ेगा, हाँ तुम्हारे सारथी हो जाएंगे। तो कृष्ण को सारथी बना लो, माने सत्य को सारथी बना लो, धर्म को सारथी बना लो, प्रेम को सारथी बना लो, और सिर्फ उसी के सामने सर झुके, संसार में उसके अलावा कहीं और सर ना झुके, यही समर्पण है। अगर तुम कृष्ण के सामने भी सर झुका दो, संसार के सामने भी सर झुका दो, तो तुमने कृष्ण को उन्हीं लुच्चे लफंगे लोगों की तरह बना दिया, उनके जितना तुमने कृष्ण का महत्व भी कर दिया। तो अगर कृष्ण के सामने सर झुक रहा है तो फिर संसार के सामने नहीं झुकना चाहिए। संसार माने वही, कोई डर दिखा दे तो वहां झुक गए, कोई लालच दिखा दे तो वहां झुक गए, मोह के कारण झुक गए, ईर्ष्या के कारण झुक गए, धर्म और अधर्म में से चुनना था, अधर्म आया तुम्हारे पास नोटों की गड्डी लेकर के और तुम चल दिए उधर, ये क्या है? तो भगवान के भरोसे, कौन से भगवान के भरोसे छोड़ोगे? जानते हो क्या किसी भगवान को? अर्जुन के साथ खड़े थे कृष्ण, जिनको तुम भगवान कहते हो, वो साथ थे, उन्होंने अर्जुन के साथ कुछ नहीं किया, बैठ गए वो तो आराम से, ज्ञान दे दिया उन्होंने कि भैया अब लड़ना हो तो लड़, नहीं तो जाओ हमारे खिलाफ। लेकिन हमारा ये जो भारत देश है ये पूरा मूर्ख रहा, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, कृष्ण के नाम पर बस नाच गाने, रंगरलिया, मूर्खताएं, माखन चोर, यही करते रह गए। जहां लड़ना था, जहां हथियार नहीं डालने थे, वहां मुगल से, मंगोल से, डच से, पुर्तगालियों से, अफगानियों से, छोटे छोटे देशों से, जज्जरा से संख्या वाले सैनिकों से, अंग्रेजों से लुटते पिटते मरते रहे। तो समर्पण का अर्थ जान लो, बंधनों के आगे समर्पण नहीं करना है, फिर चाहे वो बंधन अपनों से आ रहे हों, परायों से आ रहे हों, कहीं से भी आ रहे हों, गुलामी को स्वीकार नहीं करना है, यही समर्पण है। किसको समर्पण है? आज़ादी को समर्पण। जब तुम बंधनों को समर्पण नहीं करते हो तब तुम मुक्ति को समर्पित हो रहे हो, जब तुम असत्य को समर्पित नहीं होगे तब तुम सत्य को ही समर्पित हो रहे हो। लेकिन समर्पण की इस यात्रा में ये मैं बार बार बीच में आएगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे अपनों का क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये खूब डरेगा।
तब इस मैं को ही बोझ समझकर, इसकी ही व्यर्थता को जानकर, इसकी ही नश्वरता को जानकर कि ये मैं इतना चिल्ला रहा है लेकिन इसकी कोई हस्ती नहीं, ऐसे कितने ही मैं आए और कितने ही मैं गए, तब इसकी व्यर्थता को जानकर इसको भी समर्पित कर देना कि तेरा जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी तुझे मिट्टी मिल जाना है, कब तक बचा रहेगा, तो इसको भी समर्पित कर दो, सत्य को, कृष्ण को। और तुमने आगे कहा है कि समर्पण क्या भाग्य के भरोसे बैठना है। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो बहुत सारे बाबा जी होते हैं जो कहते हैं सब मालिक के भरोसे छोड़ दो, वही देगा, सब खाने को वो देगा, पीने को वो देगा, हटो। फिर यही मूर्खता लेकर के लोग आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा मतलब खाना हम नहीं खाएंगे, अपने आप हमारे मुंह में आ जाएगा, अच्छा कपड़े भी हमको मिल जाएंगे घर बैठे, अच्छा सब मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बैठ जाओ सारी दुनिया, सारी दुनिया के लोग बैठ जाएंगे, किसान बैठ जाएगा, वो कंपनी वाले बैठ जाएंगे, सब आ जाएगा तुम्हारे पास उठकर अपने आप, है ना। समर्पण का अर्थ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, समर्पण का अर्थ है जहां तक और जितना अधिक तुम कर सको, तब तक जब तक कि तुम बचे हुए हो तब तक करो, जितना अधिक तुम कर सकते हो जब तक तुम कर सकते हो, जब तक तुम बचे हुए हो तब तक करो, पूरी ताकत से करो, ये जानकर करो कि करना तुम्हें ही है, बस करना सही दिशा में है, रहना कृष्ण की तरफ है, रहना राम की तरफ है, ना कि काम की तरफ। चुनाव सही करो और पूरी ताकत लगा दो उसमें अपनी, ये समर्पण है। समर्पण भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, समर्पण है कि मैंने सत्य को चुना है, अब जो होगा सत्य जाने, मुझे तो अपने आप को झोंक देना है इसमें बस। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध कर, और अर्जुन कहे कि ठीक कृष्ण आप इधर हो तो ठीक है, आपकी तरफ से युद्ध करेंगे, हम मरेंगे या बचेंगे, हारेंगे या जीतेंगे, ये आप देखना आगे, हम अपने आप को पूरा झोंक रहे हैं, ये समर्पण है। लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ेगा, कृष्ण बस उसे प्रेरणा दे देंगे, उसे बता देंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो अर्जुन का मैदान छोड़ करके नहीं भागना, यही समर्पण है। अर्जुन का मोह के सामने समर्पण नहीं करना और गीता सुनने के बाद युद्ध करना, ये समर्पण है। समर्पण का अर्थ है सही लड़ाई को पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, उसमें स्वयं को झोंक दो और गलत को समर्पित मत हो जाओ। क्योंकि समर्पण का अर्थ ये भी नहीं है कि कहीं पर भी समर्पित हो गए, जाकर दुर्योधन को समर्पित हो गए, जाकर अधर्मियों के साथ एक हो गए, नहीं तो कह दो कि अच्छा। समर्पण का अर्थ है कि अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के युद्ध करना, तो ठीक है हम दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे, ये समर्पण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की तरफ तुम किसके किस लिए गए हो? लालच से गए हो, लालच को, तुम दुर्योधन को नहीं, तुम लालच को समर्पित हो गए हो। और हमने क्या कहा? लालच को, काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, मोह को, इनको समर्पित नहीं होना है। और अर्जुन इसी फिराक में है कि समर्पण कर दें मोह को, और कृष्ण उसे बचा रहे हैं कि बेटा मत कर, तू गलत जगह समर्पण कर रहा है। तो इस जीवन में जहां भी जब भी स्थिति आए, तब इस मैं को बीच में लाए बिना निर्णय लो, मैं, मेरा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या, मेरे अपने कौन, ये जो मैं जहां भी बीच में आए इसको परे हटा करके देखो क्या उचित है क्या अनुचित है। देखो अपने निर्णयों में कि तुम्हें परवाह सत्य की होती है या मैं की होती है। देखो कि तुम्हें इस बात की परवाह रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या इस बात की परवाह रहती है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए। फिर जब ऐसा हो जाए कि मैं के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उस सब की तुम परवाह नहीं करते, तुम सत्य को चुन लेते हो, तब जानना कि समर्पण हुआ।
तो कुछ बातें ध्यान रखना हमने जो करी, कि जहां समर्पण नहीं करना चाहिए वहां नहीं करना ही समर्पण है। सीना तान के खड़े रहो। समर्पण का अर्थ सर को झुकाना नहीं होता है। समर्पण माने जहां नहीं झुकना था वह नहीं झुकाया। समर्पण अगर मांग के लिए किया जा रहा है, किसी कामना से किया जा रहा है, कुछ पाने के लिए किया जा रहा है, तो वो समर्पण नहीं है, यह भी जानना। सर अगर झुक रहा है या समर्पण अगर हो रहा है डर के कारण, लालच के कारण, मोह के कारण, तो वो भी जानना कि समर्पण नहीं है। सर अगर प्रेम में झुक रहा है तो वो समर्पण है। अपने जीवन की कमजोरियों को तोड़ना यह भी समर्पण है। अपने बंधनों को काटना यह भी समर्पण है। समर्पण ये नहीं कि कमजोरियों के सामने घुटने टेक दिए। समर्पण ये नहीं कि बंधन में थे तो बंधन आए हाय मैं तो इतने बंधनों में हूँ मैं क्या करूँ। नहीं, बंधनों के आगे झुक जाना समर्पण नहीं है। बंधनों के आगे सीना तान के खड़ा होना और उनको तोड़ना, उनको काटना, ये समर्पण है। हथियार थोड़ी ना डालना है, हथियार उठाने हैं, धार करनी है और चलाना है, तब समर्पण होता है। सारी कमजोरियों को कुचल डालना होता है। हर किसी के बस की थोड़ी ना है कि समर्पण कर दे, क्योंकि मैं का समर्पण करना होता है भाई। और मैं माने मैं का मिटना, जो मैं चिल्ला रहा है, जो अभी बात कर रहा है कि समर्पण करना है मुझे, उसे ही मिटना होता है। यहाँ कौन मिटना चाहता है? तो ये काम बड़े योद्धाओं का होता है, बड़े सूरमाओं का होता है, जो समर्पण कर सकें। कहते हैं ना कबीर साहब, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। घर माने वही कुटुंब, वही मैं के साथ जो सब तुमने जोड़ रखा है, जो उस सबको जला सकता है, बस वही हमारे साथ चलें, अन्यथा रहने दो भैया। ये मैं के साथ माता पिता भाई बहन रिश्तेदार फलाना ढिमका वस्तु चीज़ें घर जमीन जायदाद पैसा सब जोड़ रखा है, और ये जलाना कहाँ से? अंदर इस खोपड़े से जाकर घर में आग नहीं लगाना है वो वाली, क्योंकि ऐसे लगा भी दोगे तो भी वो बचा ही रह जाएगा जिसको मिटना था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।